मजबूरी है ये हम लोगों को शौक नहीं है यहाँ पर धूप में आकर इतना टाइम, और काफ़ी टाइम से हम लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स, मेन तो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बच्चे अभी बाहर हैं, वो अगर उनको 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी मिलती है, वो चाहते हुए भी और हम भी चाहते हुए ना उनके पास जा पाते हैं ना वो हमारे पास आ पा रहे, क्योंकि 2 दिन हमारा ट्रेन में ही चला जाता है, बच्चों की छुट्टी वैसे ही चली जाती है। तो काफ़ी परिवार का, हम लोगों का एक दूसरे से बहुत कम मिलना जुलना हो रहा है, इससे दूरियाँ बढ़ रही हैं और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। बिजनेस है हमारे, तो बॉम्बे से अगर हमारे इंजीनियर्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इंजीनियर्स आ रहे हैं तो वो आ नहीं पा रहे हैं, जिस टाइम पे उनको डेट दी जाती है मीटिंग की वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे, हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, और सभी को यही प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स अगर इमरजेंसी पड़ रही है तो बॉम्बे जाने के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमारी फ्रेंड की बेटी को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, उनको तुरंत के इमीजिएटली बॉम्बे ले जाने के लिए बोला गया, लेकिन बॉम्बे ले जाने के लिए ट्रेन निकल चुकी थी और फ्लाइट्स है ही नहीं है, तो मतलब जीवन और मरण का एक प्रश्न बन चुका है ये। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, किसी शौक से नहीं किया जा रहा है ना, ये किसी पार्टी विशेष से संबंधित है, हम सभी लोग मिलकर सारे ये यहाँ मतलब समाज सेवी संस्थाएँ हैं और डॉक्टर्स हैं, सभी लोग हैं मिलकर ये अपने सभी के लिए, आम जनता के लिए ये कर रहे हैं, और यहाँ पर जनप्रतिनिधि ज़रूर उपस्थित होना चाहिए था। ये एक बहुत गलत बात है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि कोई उपस्थित नहीं है। मैं सुमिता मिश्र। हमें फ्लाइट तो चाहिए हैं, हम सीनियर सिटीजन्स भी हैं, हमारे बच्चे बाहर हैं, तो हमारे बच्चे भी आ सकें और हम भी अपने बच्चों के पास सुविधापूर्ण जा सकें, तो हमें फ़्लाइट चाहिए। और संस्कार धानी क्यों अछूता है, जब छोटी छोटी जगह पे फ्लाइट है, इंदौर में फ्लाइट है, ग्वालियर में फ्लाइट है, नागपुर में फ्लाइट है, फिर हम तो संस्कार धानी वाले हैं भाई, हम कोई गाँव देहात में थोड़ी रहते हैं, तो हमें तो फ्लाइट चाहिए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, पर हमें फ्लाइट चाहिए। बिंदु होती या लंबे समय से होता आ रहा है, उपेक्षा का दंश सहते आ रहा है, अभाव में भी जब हमारे पास एयरपोर्ट में आग का अभाव था, रनवे का अभाव था, तब हमारे पास 16 फ्लाइटें थी, और जब से सारी सुविधाएं हमको मिल गई, रनवे का भी विस्तारीकरण हो गया, एयरपोर्ट भी अच्छा बन गया, जब सुविधाएं मिलना बढ़ना चाहिए तो वहाँ सुविधाएं घटाई जा रही हैं, 16 फ्लाइट की जगह 5 फ्लाइट हो जाना, 6 फ्लाइट हो जाना, ये सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगाता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने मित्रों को फिर ये सजा के दे दिया जाए, ये कह दिया जाए कि प्राइवेट सेक्टर में इसको अच्छे से चला पाएगा, सरकार नहीं चला पा रही। कुल मिला के जो करे वो कम से कम शहर की पब्लिक के कोठे हितों के साथ कुठारा घात ना करें। सबसे बड़ा अन्याय है इस रनवे के लिए, सबका योगदान था इस एयरपोर्ट के लिए। हमारी कैबिनेट थी 14-15 महीने की सरकार में, कैबिनेट के मिनट्स में है कि राज्य सरकार ने उड्डयन विभाग को फ्री बगैर पैसा लिए रनवे के विस्तारीकरण की जमीन दी है और सैकड़ों एकड़ की संख्या में है। ये उस समय की 15 महीने की सरकार में 4.5 करोड़ की लागत से जो एयरपोर्ट बना, उसका भी रिकॉर्ड उठा के देख लें कि वो उस समय का है जब मनमोहन सिंह जी की सरकार, सब कुछ बन गया, अच्छी मंशा के साथ अच्छे उद्देश्य को लेके ये काम किए थे हम लोगों ने। हमारे जो जनप्रतिनिधि बहुत ढींगे हाँक रहे थे, किसी एक प्राइवेट कंपनी को जो बंद होने के कगार पे, उसकी सिफारिश का अभी भी कर रहा है जो बंद होने के कगार में, हमको तो मंशा समझ में नहीं आ रही कि ये जबलपुर का हित कर रहे हैं कि जबलपुर के हितों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं।